A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट के क्लासेस में. हमने लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाना था और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे. आज की क्लास में हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्री फॉल के बारे में कि बेसिकली ये फ्री फॉल होता क्या है. फ्री फॉल रेफर्स टू द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस और फोर्स अदर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रही है और उस पे उस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उस कंडीशन पे हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी. डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल हमारा ये है कि द फ्री फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एक्ट्स इज कॉल्ड एज अ फ्रीली बॉडी और सच फॉल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल. A freely falling body has acceleration equal to the acceleration due to gravity. जितना acceleration gravity की वजह से होता है, मतलब जितना भी acceleration gravity के through हो रहा है, सिर्फ उतना ही acceleration उस body का ही होता है जब body, कोई भी body जब हमारी fall करती है और उस पर gravitational force के अलावा और कोई भी force अलग तरीके से act नहीं करता है. air का force हो गया या किसी और body का force हो गया, तो उस condition पे वो जो body का fall होता है उसे हम क्या कहते हैं, free fall. free fall के बारे में बस आपको इतना ही जानना है कि जब कोई भी body अर्थ की तरफ हमारी फॉल कर रही है तो उस पे जो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही हो रहा है और उसमें जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ वो ही एक्ट करता है, कोई भी अलग फोर्स एक्ट उसमें नहीं करता है. उस कंडीशन में ही हम बॉडी को कहेंगे कि बॉडी का जो फॉल हमारा हो रहा है वो फ्री फॉल हो रहा है. अगर कोई भी फोर्स उसमें एक्ट कर रहा है तो वो बॉडी फ्री फॉल की कंडीशन में नहीं आएगी. एक क्वेश्चन हमारा आता है इसी से रिलेटेड, इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी. क्या जो बॉडी हमारी फॉल कर रही है उसमें किसी तरीके का चेंज इन वेलोसिटी होता है. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इट मूव्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ सर्फेस. ये हमें पता ही है कि जब बॉडी हमारी फ्रीली फॉल कर रही है, कोई और फोर्स उस पर नहीं एक्ट कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट वो अर्थ सर्फेस की टुवर्ड्स फॉल करेगी. उस कंडीशन में हमारे दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे वेलोसिटी को चेंज करने के लिए. सबसे पहला जो होगा वो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, दूसरा जो होगा वेलोसिटी का वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा. व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रीली इट एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन विच इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. जैसे ही बॉडी हमारी फॉल कर रही है उसमें कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है. ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ग्रेजुअली राइजेस. और जैसे ही एक्सीलरेशन बॉडी का मतलब चेंज हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी हमारी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो वो वेलोसिटी जो होती है जब हमारे अर्थ सर्फेस के टूवर्ड्स आ जाती है तो उस पॉइंट पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज्यादा एक्ट करता है और हमारा जो उस टाइम पे वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है. यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द बॉडी टचेज द अर्थ सर्फेस. सो वी कैन से दैट द ड्यूरिंग अ फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. इस कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी बॉडी जो है वो फ्री फॉल की कंडीशन पे होती है, उस कंडीशन पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारी कॉन्स्टेंट नहीं होती क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो चेंज होती रहती है. और जब वो अर्थ सर्फेस पे बिल्कुल पहुंचने वाली होती है तो उस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा हमारी मैक्सिमम होती है. तो ये तो हो गया हमारा फ्री फॉल के बारे में. अब हम जानेंगे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ के टुवर्ड्स फॉल होता है तो उस कंडीशन पे एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो इन्वॉल्व होता है. ये एक्सेलरेशन जो होता है वो किस वजह से होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ के टुवर्ड्स फॉल करता है तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है उसमें. और जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से हो रहा है. इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द
अर्थ या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम इसको बोल सकते हैं। द एक्सीलरेशन विद विच द बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब बेसिकली ये हुआ हमारा कि जो भी हमारी बॉडी है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस एक्सीलरेशन से वो फॉल कर रहा है किसके टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द अर्थ, वो हमारा क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब वो जो अर्थ की ग्रेविटी है उसी वजह से तो फॉल कर रहा है, तो जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट कहते हैं करते हैं। याद रखिएगा कैपिटल जी और स्मॉल जी में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही बड़ा और वास्ट डिफरेंस है। जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है हमारा, जो कि हमारा हर जगह सेम रहता है, और हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारा डिफरेंट होता है। अर्थ पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, वो बॉडी की जो ग्रेविटी होती है उस पे हमारा ये बॉडी का जो हमारा मास होता है उस पे ये बेसिकली डिफरेंट मतलब डिपेंड करता है। तो कैपिटल जी जो हमारा होता है वो हर जगह हमारा कॉन्स्टेंट होता है, बट जो हमारा स्मॉल जी होता है वो हमारा हर जगह कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, ये हमारा जो हर जगह चेंज होता रहता है बेसिकली। ये तो हमारा अर्थ पे तो है वो तो हमारा एक हम कंसीडर करते हैं, बट जो हमारा मून हो जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रेविटेशन फोर्स कुछ और होगा, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। इसको हम बेसिकली स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। यूनिट जो होती है जी की वो हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे जी की। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास एम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन रेडियस कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ मास एम, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज, ये हम अभी आगे पढ़ के आए हैं, एफ इज इक्वल्स टू हमारा कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर होता है। इसके बाद हम एक स्टोन कंसिडर करेंगे जिसका मास हमारा एम है, फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज जी। तो हमने कंसीडर किया कोई भी एक बॉडी है जिसका मास हमारा एम है, वो फ्री फॉल हो रही है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें एड कर रहा है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो एक्सीलरेशन हो रहा है यहाँ पे हम एक ही जगह कौन सा एक्सीलरेशन कंसीडर करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल जी हो जाएगा, और एफ हमारा एम जी हो जाएगा, जो कि हमारा फोर्स इक्वल टू एम होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ए जो हो जाएगा वो जी लिखा जाएगा, तो एफ हमारा जो हो जाएगा दैट विल बी एम जी। तो अब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को जब कंपेयर करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस के हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एफ है, तो हम दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करते हुए इक्वेट करेंगे इनकी वैल्यू, तो यहां से कैप स्मॉल एम और ये स्मॉल एम हमारा कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे देखा कंपेयर किया, तो ये हमारा कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, ये हमारा जो कैपिटल एम है, उसके बाद हमारा डी है डिस्टेंस, जी हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल डी हमारा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, डी हमारा ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस और सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो ये हमने कंपेयर किया, तो ये हमारा स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल जी विल बी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। d है जो हमारा न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके है, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ के सरफेस। अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट से अर्थ के सेंटर तक का दूरी है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक, क्योंकि सेंटर से जो सरफेस तक का होगा वो रेडियस होगा, तो रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और इस अर्थ सरफेस के से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस हो गया, तो ये हमारा d हो गया न्यूमेरिकली, जो कि हमारा इक्वल है इस चीज के। अब ये बताना चाह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर द सर्फेस और केप्ट ऑन द सर्फेस, तो उस कंडीशन पे हमारा डी क्या हो जाएगा, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा अर्थ के सर्फेस पे रखा है, तो उस कंडीशन पे जो डी हो जाएगा वो एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। सपोज हमने ये अर्थ लिया, तो हमारा इसका डिस्टेंस क्या था, सेंटर ऑफ द पॉइंट था, यहां से हमारा अर्थ का सर्फेस था, तो अर्थ का सर्फेस से लेकर सेंटर ऑफ द पॉइंट की तरफ तक डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, रेडियस हो गया, और ऑब्जेक्ट जहां पे भी रखा गया है तो उसका डिस्टेंस भी तो कुछ कैलकुलेट होगा, तो वो हमारा दोनों इक्वल था, इक्वल तक का मतलब हमने दो डिस्टेंस कंसीडर किए थे ना, एक रेडियस से सरफेस तक का और एक हमारे अर्थ सरफेस से उस ऑब्जेक्ट तक का। अब अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे रखा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा, ठीक,
तो हमारा उस केस में डी की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो अर्थ के सरफेस पे बहुत क्लोज रखा गया है, इसलिए जो अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस हो जाए, डिस्टेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ही हमारा आर स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये है कि दिस इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज लाइटर और हैवी द एक्सपीरियंस इज द सेम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत एक नई बात सीखने को मिलती है हमें कि इस इक्वेशन से हमारा ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जो हमारा ये इक्वेशन निकल के आया है, इससे हमारी ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जो भी ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, उसके मास पे जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा लाइटर है कि मतलब लेस वेटेड है, हेवी है, लाइट है, किस तरीके से है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हर जगह पे उसका जो एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है वो बॉडी का सेम होता है। वही चीज ने बताने की कोशिश की गई कि दिस इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है अर्थ की तरफ, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जेक्ट हमारा लाइट हो या हैवी हो, हर ऑब्जेक्ट हमारा सेम ही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है। वैल्यू ऑफ द जी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ एम। यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल की वैल्यू है, जी की वैल्यू है स्मॉल जी की, वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है और अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारा स्मॉल मास ऑफ द अर्थ हमें पता है 6 × 10⁻²⁴ kg होता है। रेडियस ऑफ द अर्थ हमारा है 6.4 × 10⁶ m। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हमारा जी जो है वो 6.7 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इन सारी ही वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व आउट करते हैं तो जो हमारी जी की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 9.8 m/s². कुछ कुछ बुक्स में, क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू को नियर अबाउट 10 भी कंसिडर्ड किया जाता है। तो आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा कि वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है कि 10 होती है। न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत जगह होते हैं जहाँ पे हम लोग वैल्यू 10 कंसीडर्ड कर लेते हैं, पर जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है डेट इज 9.8 m/s². तो होप सो मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में कैपिटल जी के बारे में भी बताया था और आज की क्लास में हमने स्मॉल जी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो होप सो आपको दोनों ही चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो हम इसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया होगा आपको। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिट मास सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द यूनिवर्स। ये मैंने आपको अभी बताया है कि कैपिटल जी जो होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, और स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो प्लेस टू प्लेस यूनिवर्स में चेंज होती रहती है। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस एज वी गो हायर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ और एज वी गो डीपर इंटू द अर्थ। हम अगर अर्थ सरफेस से अबव उठते हैं या अर्थ सरफेस के बिलो जाते हैं तो जो हमारी स्मॉल जी की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, पर जो कैपिटल जी है वो हमारा इस चीज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है कि अगर हम अर्थ सरफेस के अबव जा रहे हैं या बिलो जा रहे हैं, वो हर जगह हमारा सेम रहता है। नेक्स्ट हमारा है द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है अर्थ के सेंटर पे जीरो होती है, और कैपिटल जी हमारा होता है वो नॉन जीरो होता है एट द सेंटर और एनीवेयर एल्स। द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द डिफरेंट हेवनली बॉडीज लाइक सन, स्टार, मून, प्लैनेट्स हमारे हो गए, और कैपिटल जी जो होता है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स हर जगह सेम होता है। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है दैट इज 9.8 m/s², जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है ये हमारी 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर पर केजी
स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बारे में। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था, हमने फ्री फॉल और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जाना है। होप सो ये दोनों ही टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।